वेलकम टू माय चैनल प्रियंका किचन जोन। मेरे चैनल का बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपके लिए दाल तड़के की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है। हम अक्सर रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जब दाल खाते हैं तो उसका जो टेस्ट होता है हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल उसी तरह से आप दाल तड़के कैसे बनाएं। इसको दो दाल का तड़का भी कहते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होती है। और आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो इस तरह से आप जरूर दाल बनाइए, आपका जो दाल का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा और सब आपकी तारीफ करते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, इससे मेरी नई नई रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दाल बनाने के लिए सबसे मैंने एक कटोरी दाल ली थी, उसको अच्छे से पानी में भिगो के रख दिया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद हमारी दाल अच्छे से फूल गई है। दाल अगर आपको भिगो देते हैं तो उसका जो पकने का टाइम होता है वो बहुत कम होता है और दाल हमारी अच्छे से गल जाती है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, दाल अच्छे से अभी आधी गल गई है। अब हम इसको कुकर में गलाते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, फिर सारी दाल डाल देती हूँ। साथ में हम इसमें पानी डालें, पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डालूंगी। ज्यादा पानी डालने से सारा कुकर जो पानी होता है बाहर आ जाएगा, हमारी दाल गंदी हो जाएगी। अब इसमें नमक डालूंगी मैं, नमक कम डालेंगे अभी, और आधा चम्मच हल्दी। और सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने से हमारे जो दाल में उफान आता है वो नहीं आएगा, हमारे कुकर में बिल्कुल भी दाल नहीं निकलेगी बाहर। तो ये जरूर ट्राई करिएगा। अब मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है, अब 3 सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे। देखिए सीटी सारी निकल गई है, दाल बिल्कुल ठंडी हो गई है। देखिए बिल्कुल भी हमारे कुकर में से दाल का पानी जरा सा भी नहीं निकला है और नीट हमारा कुकर बिल्कुल साफ सुथरा है। आप देख सकते हैं दाल में भी अच्छा खासा पानी है और दाल भी हमारी अब गल गई है। ज़्यादा दाल में पानी अगर डाल देते हैं तो हमारी दाल एक तो गलती नहीं है, दूसरा पानी बहुत फेंकता है, जिससे हमारा कुकर गैस सब बहुत गंदी जाती है। चलिए अब फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, इसमें 1 चम्मच देसी घी डालूंगी। देसी घी से दाल फ्राई करते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। तो अब देसी घी से फ्राई करिए, इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा तल जाएगा हल्का सा, तो इसमें आधा चम्मच हींग डालेंगे। हींग बहुत ज़्यादा डालिएगा, दाल में हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम 2 से 3 कलियाँ लहसुन की अच्छे से बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब लहसुन को बिल्कुल अच्छे से हमको रोस्ट करना है। जब अच्छे से लहसुन रोस्ट हो जाए तो 4 से 5 कलियाँ हमें लाल मिर्च की डालनी है। इसको हमें तोड़ना नहीं है, अगर तोड़ देंगे तो इसका तीखापन जो है हमें दाल में आ जाएगा और दाल बहुत तीखी हो जाएगी, तो लाल मिर्च को नहीं तोड़ेंगे। अब 1 गांठ हमने अदरक के लिए इसको बारीक चॉप कर लिया है, बहुत बारीक करना है आपको, और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो मैंने यहाँ पे 1 बड़ी प्याज ली थी, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास छोटी प्याज है 2 कर ले। अब जब हमारी प्याज कुछ इस तरह दिखने लगे, हमको ऐसे ही लाल लाल करनी है अपनी प्याज, तो इसमें हम 1 बड़ा टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छे से प्याज में मिक्स कर लेंगे। जब हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम बचा हुआ नमक डाल देंगे इसमें। नमक मैंने इसलिए पहले कम डाला था क्योंकि टमाटर में अगर नमक डाल देते हैं, टमाटर का जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत जल्दी ही हो जाता है। ऐसा सब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको हम कवर करके 1 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर प्याज अच्छे से गल जाए। आप देख सकते हैं हमारा टमाटर प्याज अच्छे से गलना स्टार्ट हो गया है। थोड़ा सा हल्का सा कलछी से मैश कर देंगे जिससे हमारा टमाटर प्याज अच्छे से घुल जाएगा। अब हम इसमें दाल तड़का मसाला डालेंगे। अगर बात दाल तड़का मसाला नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसमें आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए और सबको ऐसे ही मिक्स कर दीजिए। अगर है तो जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और इसमें मैं हरी धनिया की पत्तियां डाल दूंगी थोड़ी सी, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और थोड़ी देर इसको कवर कर दें ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से घुल जाए। 30 सेकेंड्स के बाद इसको हटा देंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है।
सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी दाल हमने उबाल के रखी थी वो डाल देंगे। दालें बहुत पानी में नहीं डालना है, जितना पानी था उतने में ही हमको पकाना है इसको। इसको कवर कर देंगे, लास्ट टाइम है, इसको दाल को अच्छे से उबाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी दाल उबल गई है। दाल को अगर कवर करके पकाएंगे तो बहुत जल्दी पक जाती है, उसका जो स्मेल होती है वो बाहर नहीं निकलती है और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है हमारी दाल में। अब एक पैन लेंगे, अगर आप दो दाल तड़के की दाल बना रहे हैं तो उसमें आधा चम्मच देसी घी डालेंगे, इससे मैं दाल का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। अब क्या करेंगे, जब देसी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि देसी घी में अगर इस टाइम कुछ डाल देंगे तो हमारा सामान सब जल जाएगा, तो जो टेस्ट भी है वो ख़राब हो जाएगा। तो जब हल्का हल्का धुआं निकलना बंद हो जाए तो इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग और आधा चम्मच पिसी मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी दाल में। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल पे पोर कर देते हैं इसको। इसे दो तड़के की दाल भी बोलते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होती है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो जरूर इस दाल को ट्राई करिए, खाने में बहुत डिलीशियस होती है, देखने में तो बहुत सुंदर लगती है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी दाल, जितनी देखने में सुंदर है उतनी खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप इस दाल के आगे वेस्टर्न स्टाइल जो दाल होती है उनको भी भूल जाएंगे। आई होप आपको मेरी दाल तड़के की रेसिपी अच्छी लग रही हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।